एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए FSSAI ने बहुत सारा कदम उठाए हैं। उसमें एक कदम है डिटेक्ट एडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट, जो डार्ट बोलते हैं उसको वो दिया है। FSSAI गाइडलाइंस, FSSAI ही इसको दिया है, तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं क्या क्या मिलावट है जो खाना बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट हम खरीदते हैं उसमें। तो इसको बोलते हैं डिटेक्ट एडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट। इसको हम घर पे ही टेस्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम जानेंगे ये कॉमन टेस्ट है, ये कॉमन क्विक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ सम एडल्ट्रेंट्स एट हाउस होल्ड, बिकॉज फूड इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। सस्टेन करने के लिए फूड इज वेरी एसेंशियल। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड डिसीव द कंज्यूमर and can cause risk to their health. The purpose of this manual is to list out common methodologies available for food adulterants generally found in India. जो भारत में common adulterants हैं उसको कैसे हम detect कर सकते हैं, उसको कैसे हम check कर सकते हैं, उसको find out करने के लिए ये methodology दिया गया है। ये common test है। ओके, द स्कोप ऑफ दिस मैनुअल इज मीन्ट फॉर हाउस होल्ड विच कैन इंड्यूस अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर अबाउट फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी के लिए अवेयरनेस भी ये दे सकता है एंड इट कैन प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑल्सो। सो रैपिड टेस्ट के लिए क्या क्या इंडेक्स दिया है इसमें हम पढ़ सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, ऑयल एंड फैट्स को भी हम चेक कर सकते हैं, शुगर्स एंड कन्फेक्शनरी को भी चेक कर सकते हैं, फूड ग्रेन्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स, मैसेलेनियस भी सब दिया है, हम देखेंगे। सो ये फर्स्ट टेस्ट करेंगे हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। सो डिटेक्शन ऑफ वाटर इन मिल्क टेस्टिंग मेथड्स क्या है। पुट ए ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन ए पॉलिश्ड स्लेंटिंग सरफेस। एक पॉलिश स्लेंटिंग मतलब एक सरफेस होगा जो कि डाउनवर्ड फेसिंग होगा, उसमें हम क्या करेंगे एक ड्रॉप ऑफ मिल्क हम स्लेंटिंग सरफेस के अंदर हम के ऊपर दे देंगे। ऐसा स्लेंटिंग सरफेस होगा, इसके ऊपर हम एक ड्रॉप ऑफ मिल्क दे देंगे। प्योर मिल्क अगर होगा तो क्या होगा, इट विल फ्लो स्लोली, इट विल फ्लो वेरी स्लोली लीविंग ए वाइट ट्रेल बिहाइंड इट। सो इट ए प्योर मिल्क विल डू व्हाट, ए वाइट ट्रेल विल गिवन एट दिस सरफेस, बट इम्प्योर मिल्क विल नेवर लीव ए मार्क अपॉन इट। सो यू कैन सी हियर दैट दिस इज गिविंग ए वाइट ट्रेल मार्क, वाइट ट्रेल मार्क। सो दिस इज प्योर बट दिस वन डजन गिव एनी वाइट ट्रेल मार्क, सो दिस इज नॉट ए प्योर मिल्क, दिस इज एडल्ट्रेटेड मिल्क। एडल्ट्रेटेड मीन्स वाटर इज गिवेन टू द मिल्क। So in this way we can check milk adulterated with water will flow immediately without leaving a mark. Okay, it will flow also very fastly. Impure means adulterated milk will flow also very fastly. Then test 2, detection of detergent in milk. Testing method kya hai? Now take 5 to 10 ml of sample with an equal amount of water, shake the content thoroughly. क्या shake करेंगे, उस water को mix करने के बाद milk में उसको हम shake करेंगे। If milk is adulterated with detergent, it forms dense leather बनेगा। If milk is adulterated, okay, प्योर मिल्क विल फॉर्म वेरी थिन फॉर्म लेयर ड्यू टू एजिटेशन। ओके, प्योर मिल्क क्या करेगा, एक थिन लेयर बनाएगा। ओके, सो
हम इस इमेज में देख सकते हैं देयर इज नो एनी डेंस लेदर फॉर्मेशन हियर, डेंस लेदर इज नॉट फॉर्म हियर, बट हियर डेंस लेदर इज फॉर्म्ड एट दिस लेवल. यू कैन सी डेंस लेदर इज फॉर्म्ड. सो दिस इज नॉट प्योर मिल्क, इट इज एडल्ट्रेटेड विथ डिटर्जेंट्स. प्योर मिल्क विल फॉर्म वेरी थीन फॉर्म, ए थीन फॉर्म क्रिएट करेगा. ओके, देन डिटेक्शन ऑफ स्टार्च इन मिल्क, कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं. बॉयल 2 to 3 ml ऑफ सैंपल विथ 5 ml ऑफ वाटर, कूल एंड एड 2 to 3 drops ऑफ टिंचर आयोडीन. टिंचर आयोडीन उसको हम 2-3 drops देंगे. फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. इसमें क्या कलर हो गया है, ब्लू कलर हो गया है, इट मीन्स इट इज हैविंग स्टार्च. सो व्हाट हैपेंस हियर, इन प्योर केस देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक और ब्लू अपीयरेंस, सो देयर इज नो स्टार्च एडेड इन दिस मिल्क. हम फर्स्ट क्या करेंगे ना, बॉयल करेंगे 2 to 3 ml ऑफ सैंपल विथ 5 ml ऑफ वाटर. उसके बाद क्या करेंगे कूल करेंगे एंड एड 2 to 3 drops ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन. फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. ओके, सो स्टार्च अगर होगा मिल्क में तो और टिंचर आयोडीन देने के बाद उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा. देन डिटेक्शन ऑफ मास्ट पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज एंड अदर स्टार्चेस इन घी और बटर. बटर और घी में क्या करते हैं, जो पोटैटो को ग्राइंड करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं घी में. सो क्या करेगा, उसका एडल्ट्रेट करके उसको बेच सकते हैं. ओके, तो क्या करेंगे ना, 1/2 teaspoon ऑफ घी और बटर इन ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल में लेंगे. एड 2 to 3 drops ऑफ टिंचर आयोडीन. टिंचर आयोडीन दे देंगे तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ मास्ट पोटैटोस और स्वीट पोटैटोस एंड अदर स्टार्चेस. इसमें भी क्या करेंगे ना, टिंचर आयोडीन दे देंगे. अगर टिंचर आयोडीन दे देंगे तो क्या होगा, उसका कलर ऐसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा. लेकिन अगर आयोडीन में अगर जो हम देंगे तो अगर घी में कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू कलर नहीं होगा, तो उसमें नहीं दिया है स्टार्च. देन ऑयल्स एंड फैट्स, जो तेल हम खरीदते हैं उसमें भी एडल्ट्रेंट्स व मिलावट दिया जाता है, उसको हम कैसे घर में चेक करेंगे. सो फर्स्ट क्या करेंगे, टेक कोकोनट ऑयल इन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास. ट्रांसपेरेंट ग्लास में लेने के बाद क्या करेंगे, प्लेस दिस ग्लास इन ए रेफ्रिजरेटर फॉर 30 minutes. ओके, डू नॉट कीप इन द फ्रीजर. ओनली क्या करेंगे, जो साइड वॉल है उसमें हम रखेंगे, फ्रीजर में नहीं रखेंगे. अगर आफ्टर रेफ्रिजरेशन कोकोनट ऑयल सोलिडिफाइज, अगर प्योर होगा तो सोलिडिफाइज होगा, अगर प्योर नहीं होगा तो सोलिडिफाइज नहीं होगा. तो अगर इफ कोकोनट ऑयल इज एडल्ट्रेटेड देन अदर ऑयल्स रिमेन्स एज ए सेपरेट लेयर. अगर देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेशन के बाद देर इज नो सेपरेशन ऑफ प्योर कोकोनट ऑयल एंड इट इज सोलिडिफाइज, बट हियर यू सी एडल्ट्रेटेड वन द ऑयल इज सेपरेटेड हियर. ऑयल इज सेपरेटेड हियर, hence it is adulterated. Next, sugars and confectionery. Sugars में भी लोग चॉक पाउडर दे देते हैं, उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्या करेंगे, sugar solution in honey. honey में क्या करते हैं ना, sugar दे देते हैं. सो क्या करेंगे, फर्स्ट टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर, एड ए ड्रॉप ऑफ honey टू द ग्लास,
प्योर हनी विल नॉट डिस्पर्स इन वाटर, प्योर हनी इंटैक्ट रहता है, वो मिक्स नहीं हो जाता है। इफ द ड्रॉप ऑफ हनी डिस्पर्स इन वाटर इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एडेड शुगर। यहाँ पे देखिए वो जो हनी है वाटर में देने के बाद ये डिस्पर्स नहीं हुआ, ऐसे इंटैक्ट रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्पर्स हो गया है, मिल गया है कहाँ पे, ना पानी में। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट प्योर, दिस वन इज़ प्योर बिकॉज इट इज़ एडेड विथ शुगर, इट इज़ नॉट एडेड विथ शुगर। सो वी हैव अंडरस्टूड। और एक टेस्ट किया है, टेक ए कॉटन विग डिप्ड इन ए प्योर हनी एंड लाइट विद ए मैच स्टिक। हम क्या करते हैं ना, एक मैच स्टिक में हम एक स्टिक में कॉटन को वाइप करके हनी को उसमें दे देते हैं। अगर हनी को मैच स्टिक बर्न करेंगे तो प्योर हनी विल बर्न। इफ एडल्ट्रेटेड वन इज देयर द प्रेजेंस ऑफ वाटर विल नॉट अलाउ द हनी टू बर्न। इफ इट इज, इट विल प्रोड्यूस ए क्रैकिंग साउंड ऑल्सो। इफ वाटर इज एडेड इन टू हनी देन हनी विल बर्न एज गिविंग ए क्रैकिंग साउंड एंड इट विल नॉट बर्न ऑल्सो समटाइम्स। देन डिटेक्शन ऑफ चॉक पाउडर इन शुगर, पिथी शुगर जैगरी ऑल दिस थिंग्स। टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास हम ले लिया है उसके अंदर हम पानी लेंगे। डिजॉल्व 10 ग्राम ऑफ सैंपल इन वाटर, 10 ग्राम हम लेंगे उसको इसमें डिजॉल्व करेंगे। इफ शुगर इज मिक्स्ड विथ चॉक द एडल्ट्रेंट्स विल सेटल डाउन एट द बॉटम। ओके, एडल्ट्रेंट्स विल सेटल डाउन एट द बॉटम। और अगर एडल्ट्रेंट्स सेटल हो गया तो हम जानेंगे कि शुगर में चॉक पाउडर दिया है। देखिए यहाँ पे जो हम डिजॉल्व किए हैं ये फुल्ली डिजॉल्व हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, चॉक पाउडर दिया है, चॉक पाउडर डाउन में चला गया। ओके, नेक्स्ट फूड ग्रेन्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। फूड ग्रेन्स जैसे कि गेहूँ होता है। ओके, क्या करेंगे, डिटेक्शन ऑफ एक्सट्रेनियस मैटर लाइक डस्ट पेबल स्टोन स्ट्रॉ वीट सीड्स डैमेज्ड ग्रेन्स वीविल ग्रेन्स इंसेक्ट रोडेंट हेयर्स एंड एक्सेट्रा इन फूड ग्रेन्स, ये सब हम चेक कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय विजुअल चेक, टेक स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ सैंपल इन ए ग्लास प्लेट, एग्जामाइन द इम्प्यूरिटीज विजुअली। वी कैन चेक द इम्प्यूरिटीज विजुअली, क्या क्या देख कर हम चेक कर सकते हैं ना। प्योर फूड ग्रेन्स विल नॉट हैव एनी सच इम्प्यूरिटीज, जैसे कि हमारा इंसेक्ट का पार्ट्स हो, देन कुछ डस्ट हो, पेबल हो, स्टोन हो, ये सब स्ट्रॉ हो, वीड्स, दिस विल नॉट बी प्रेजेंट इन प्योर और अनएडल्ट्रेटेड फूड ग्रेन्स। एंड अडल्ट्रेटेड वन विल हैव ऑल दिस काइंड्स ऑफ एडल्ट्रेंट्स लाइक स्टोन पेबल स्ट्रॉ ऑल दिस थिंग्स विल बी प्रेजेंट इन साइड द एडल्ट्रेटेड फूड ग्रेन्स। दिस कैन बी चेक्ड विजुअली। देन डिटेक्शन ऑफ एरगोट ए फंगस कंटेनिंग पॉइजनियस सब्सटेंस इन फूड ग्रेन्स। पुट सम ग्रेन्स इन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनिंग 20% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। 20% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, 20 ग्राम ऑफ टेबल सॉल्ट ले जाएंगे और आयोडाइज सॉल्ट ले जाएंगे इन 100 ml ऑफ वाटर। ओके, तो एरगोट फ्लोट्स ओवर द सरफेस व्हाइल साउंड ग्रेन्स सेटल डाउन। ओके, पर्पल ब्लैक लॉन्गर साइज्ड ग्रेन्स शो द प्रेजेंस ऑफ एरगोट्स। ओके, इसको भी हम चेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ
20% ऑफ सॉल्व सॉल्यूशन। 20% ऑफ सॉल्व सॉल्यूशन में क्या करेंगे ना, जो फूड ग्रेन्स है उसको हम डालेंगे। फूड ग्रेन्स में क्या होगा, अगर उसमें एरगोट्स होगा तो ऊपर में वो फ्लोट करेगा, ओके, अगर नहीं होगा तो इट विल गो, इट विल सिंक, ओके। देन डिटेक्शन ऑफ धतुरा इन फूड ग्रेन्स, सो वी कैन ऑल्सो चेक इट बाय विजुअल इंस्पेक्शन। दे टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स इन ए ग्लास प्लेट, एग्जामाइन द इम्प्यूरिटीज विजुअली। धतुरा सीड्स विच आर फ्लैट विथ एजेस एंड ब्लैकिश ब्राउन इन कलर कैन बी सेपरेटेड आउट बाय क्लोज एग्जामिनेशन। दिस आर धतुरा सीड्स एंड दिस इज कॉमनली एडेड इन फूड ग्रेन्स, सो इट कैन बी चेक्ड बाय विजुअल इंस्पेक्शन। देन डिटेक्शन ऑफ एक्सेस ब्रैन इन वेट फ्लोर, सो हम इसको कैसे चेक करेंगे। टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर, स्प्रिंकल ए स्पून ऑफ वेट फ्लोर ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। प्योर वेट फ्लोर विल नॉट शो एक्सेस ब्रैन ऑन वाटर सरफेस, वाटर सरफेस में इतना ज़्यादा नहीं दिखाएगा, ओके। एडल्टरेटेड वेट फ्लोर शोज एक्सेस ब्रैन फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस, वाटर सरफेस में ज़्यादा वो फ्लोट करेगा। देन डिटेक्ट अ केसरी दाल इन दाल होल एंड स्प्लिट, सी केसरी दाल को हम विजुअली भी चेक कर सकते हैं। See, this is the shape of kesari dal and we can check it by visual inspection. So, क्या करेंगे, take small quantity of dal whole or split in a glass plate. Examine the impurities visually. Visually हम check करेंगे, pure dal will not have any such impurities like this. Impurities will not be there. Kesari dal which is aged type appearance, showing a slant on one side and square in appearance, can be separated out by close examinations. Okay, it has some edges. Kesari dal, which is aged type of appearance, showing a slant on one side and square in appearance, can be separated out by close examination. So, detection of एडेड कलर इन फूड ग्रेन्स वो कैसे करेंगे ना, हम ट्रांसपेरेंट ग्लास में हम पानी लेंगे, उसमें क्या करेंगे 2 teaspoons ऑफ फूड ग्रेन्स हम देंगे और उसको मिक्स करेंगे विगोरसली। प्योर फूड ग्रेन्स विल नॉट लीव एनी कलर, एनी कलर नहीं ले देगा, देखिए यहाँ पे कोई कलर नहीं आया। एडल्ट्रेटेड फूड ग्रेन्स लीव्स कलर इमीडिएटली इन वाटर, उसमें कलर आ जाएगा, सो ये एडल्ट्रेटेड है। देन डिटेक्शन ऑफ आयरन फिलिंग्स इन आटा मैदा सूजी कैसे करेंगे, वो बहुत सहज है। उसमें क्या करेंगे, हम मैग्नेट यूज करेंगे। मैग्नेट टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल इन ग्लास प्लेट, मूव द मैग्नेट थ्रो द फ्लोर। प्योर फ्लोर विल नॉट शो एनी आयरन फिलिंग्स ऑन द मैग्नेट, कोई आयरन फिलिंग्स नहीं रहेगा, देखिए यहाँ पे कोई आयरन नहीं लगा है लेकिन यहाँ पे लग गया है। तो इफ फ्लोर इज एडल्ट्रेटेड देन आयरन फिलिंग्स विल बी सीन ऑन द मैग्नेट, ओके, उसको हम चेक कर सकते हैं विजुअल इंस्पेक्शन के साथ।